इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में जो स्कैम 1992 वेब सीरीज में होना चाहिए था पर नहीं है, और उस कैरेक्टर का नाम है केतन पारेख। एक्चुअली केतन पारेख भी हर्षद मेहता के साथ हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमो रिसर्च में काम कर रहा था। तो आज हम समझेंगे कि केतन पारेख आखिर था कौन। केतन पारेख की स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग है। हर्षद मेहता के बाद केतन पारेख ने भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया था और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी था। केतन पारेख की स्टोरी कुछ ऐसी है कि उस पर स्कैम 1992 इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट आना चाहिए। केतन पारेख का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था। उनकी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का नाम एनएच सिक्योरिटीज था। 1980s में हर्षद मेहता से प्रभावित होकर केतन पारेख ने हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमो और रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट को ज्वाइन किया। लेकिन जब स्कैम बाहर आया तब उसमें केतन पारेख पकड़ा नहीं गया। एक्चुअली 1992 में ही एक और स्कैम में केतन पारेख पकड़ा गया जिसका नाम था कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम, जिसमें केतन पारेख को एक साल की जेल भी हुई थी। 1992 के इन कई सारे स्कैम्स के चलते सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। सेबी कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर काम करने लगा, साथ ही जो लोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं उन पर एक्शन भी लेने लगा। सेबी के आने के बाद कुछ सालों तक तो मार्केट में मैनिपुलेशन बंद रहा, लेकिन केतन पारेख ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ पाया। केतन पारेख को पता था कि हर्षद मेहता की फंड रेजिंग की टेक्निक सबको पता चल गई है, इसलिए अगर कोई स्कैम करना है तो कुछ नई टेक्निक लेकर आनी होगी, और इसलिए केतन पारेख एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक लेकर आया। केतन पारेख का स्टॉक ब्रोकिंग फर्म एनएच सिक्योरिटीज एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म था। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटायरमेंट फंड्स इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वो बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो केतन पारेख ने सोचा कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनके कुछ क्राइटेरियाज और उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि उस कंपनी का अच्छा खासा वॉल्यूम हो, यानी उस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स डेली बेसिस पर ट्रेड होने चाहिए। अब कई सारी कंपनीज जिनके शेयर्स केतन पारेख मैनिपुलेट कर रहा था उनका वॉल्यूम यानी डेली ट्रेड होने वाले शेयर्स बहुत कम थे, इसलिए केतन पारेख ने कुछ कंपनीज फॉर्म की और अपनी ही कंपनीज के बीच केतन पारेख सेम टाइम पर सेम ऑर्डर डालकर बड़े बड़े ट्रेड्स उन कंपनीज में एग्जीक्यूट करता था, जिससे सबको ये लगता था कि उन कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। केतन पारेख की खास बात ये थी कि वो स्टोरीज बनाने में और उसे बेचने में माहिर था। तो अपने फायदे के लिए केतन पारेख कई तरह की स्टोरीज बनाता रहा और उसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचता रहा, और फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें फंस जाते थे और केतन पारेख का काम बन जाता था। और फिर जैसे कि जनरली होता है कि जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे जिन कंपनीज की प्राइसेस केतन पारेख मैनिपुलेट करना चाहता था उनकी प्राइस तेजी से बढ़ने लगी। केतन पारेख सिर्फ 10 स्टॉक्स पर फोकस करने लगा और उनकी प्राइस मैनिपुलेट करके बढ़ाने लगा। वो 10 स्टॉक्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन, मुक्ता आर्ट्स, टिप्स, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन, प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, GTL, जी टेलीफिल्म्स, क्रेस्ट कम्युनिकेशंस और एफटेक इन्फोसिस थी। मेनली ये केटन स्टॉक्स तीन सेक्टर्स से थे, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और मीडिया। 1997 से लेकर 2001 तक .com बूम चलता रहा, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज की शेयर प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लगी थी, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। तो इस .com बबल के बीच ही केतन पारेख शेयर की प्राइसेस बढ़ाने लगा, जिससे किसी को ये भनक तक नहीं लगी कि कोई शेयर्स को मैनिपुलेट करके उनकी प्राइस बढ़ा रहा है। इसी बीच केतन पारेख हिमाचल फ्यूचरिस्टिक की प्राइस 42 रुपीज से 2300 रुपीज तक लेकर गया, जी की प्राइस 750 रुपए से 11000 तक लेकर गया, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स की प्राइस 85 रुपीज से 3100 तक लेकर गया, और इसी तरह बाकी केटन स्टॉक्स की प्राइसेस भी केतन पारेख बढ़ाता चला गया। केतन पारेख का प्लान था कि शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद उन्हें बेच दिया जाए और फिर प्रॉफिट कमा लिया जाए। शेयर्स की प्राइसेस लगातार बढ़ाने के लिए केतन पारेख को पैसों का एक बड़ा सोर्स चाहिए था। जैसे कि हमने देखा था कि हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील का गलत इस्तेमाल करके बैंक्स का पैसा स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट किया था, लेकिन फिर उस स्कैम के बाद रेडी फॉरवर्ड डील में काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, रूल्स बदल गए थे, इसलिए केतन पारेख एक नए इंस्ट्रूमेंट की तलाश में था, और वो इंस्ट्रूमेंट उसे जल्दी मिल गया जिसका नाम था पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और इसके लिए केतन पारेख ने दो बैंक्स का इस्तेमाल किया, MMCB दैट इज माधोपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और GTB दैट इज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। केतन पारेख ने तो GTB का कुछ स्टेक भी खरीद लिया ताकि वो GTB का कंट्रोल ले सके और GTB का पैसा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। साथ ही सुचेता दलाल की बुक द स्कैम के अनुसार जिन कंपनीज की शेयर प्राइस केतन पारेख बढ़ा रहा था उनमें से कुछ कंपनीज के प्रमोटर्स से भी केतन पारेख ने पैसे लिए थे ताकि केतन उन शेयर्स की प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा सके। केतन ने इन दोनों बैंक से यानी MMCB और GTB से बहुत बड़े बड़े लोन्स लिए थे। केतन ने MMCB से 800 करोड़ का लोन लिया था और GTB से 100 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया था। उस टाइम के RBI रूल्स के अनुसार
कोई भी बैंक स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं दे सकती थी। उसके बावजूद भी इन दोनों बैंक्स ने केतन पारेख को बहुत सारे लोन्स दिए। पेमेंट ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, जिसमें पहले आपको बैंक को पैसा देना होता है, उसके बदले में बैंक आपको पे ऑर्डर देती है। केतन पारेख ने MMCB को बिना पैसे दिए 137 करोड़ का पे ऑर्डर लिया और वो पे ऑर्डर बैंक ऑफ इंडिया में क्लियरिंग के लिए भेज दिया। जनरली अगर पेमेंट ऑर्डर अगर 2-3 दिन में रिटर्न नहीं आती है तो ये माना जाता है कि पेमेंट क्लियर है। केतन पारेख के इस केस में 2-3 दिन में पेमेंट ऑर्डर रिटर्न नहीं आई, वो रिटर्न आई 11-12 दिनों के बाद। तब तक बैंक ऑफ इंडिया अपना पैसा केतन पारेख और उसकी कंपनीज को ट्रांसफर कर चुकी थी। वो 137 करोड़ की पेमेंट ऑर्डर जो MMCB ने केतन पारेख को दी थी, उस अमाउंट को MMCB बैंक ऑफ इंडिया को पे नहीं कर पाई, जिसके चलते RBI ने MMCB को डिफॉल्टर घोषित किया और बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके चलते बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख को अपने 137 करोड़ रुपीज वापिस मांग लिए। केतन पारेख ने 7 करोड़ तो दे दिए लेकिन 130 करोड़ नहीं दिए, जिसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट फाइल की और फिर CBI ने केतन पारेख को अरेस्ट कर लिया और फिर उसका ये सारा स्कैम बाहर आया। सवाल ये भी आता है कि 130 करोड़ की अमाउंट केतन पारेख रिटर्न क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो अमाउंट उसके लिए उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन उस टाइम बेयर कार्टल मार्केट में एक्टिव था और केतन पारेख ऑलरेडी शेयर्स की प्राइसेस बहुत ऊपर ले गया था और बेयर कार्टल केटिन स्टॉक्स को शॉर्ट करने लगे, जिससे केटिन स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत तेजी से गिरकर नीचे आ गई और केतन पारेख को बड़े बड़े लॉसेस झेलने लगे, जिसकी वजह से वो बैंक ऑफ इंडिया को पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। और जब इस पेमेंट ऑर्डर के मामले में केतन पारेख को अरेस्ट कर लिया गया, तब स्टॉक मार्केट का ये पूरा स्कैम बाहर आया। केतन पारेख के स्कैम को भी मिस सुचेता दलाल ने एक्सपोज किया था। ऐसा नहीं है कि सुचेता दलाल ने बाकी लोगों के नाम नहीं लिए, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुई। द स्कैम इस बुक को पढ़ोगे तो उसमें सबके नाम आपको पता चल जाएंगे। इस पूरे स्कैम के चलते स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने केटिन स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे है ये सोचकर उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन जब प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने लगी तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। साथ ही MMCB के डिपॉजिटर्स को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उन डिपॉजिटर्स को MMCB ने पैसा नहीं लौटाया। इस स्कैम के बाद केतन पारेख को साल 2017 तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया और स्पेशल CBI कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुनाई। और रिसेंटली साल 2018 में एक स्पेशल कोर्ट ने केतन पारेख को 3 साल की सजा सुनाई। तो ये थी केतन पारेख की पूरी स्टोरी। एक अनाउंसमेंट है, अब आप हमारे स्टॉक मार्केट के सारे पेड कोर्सेज 14 डेज के लिए यानी 14 दिनों के लिए फ्री में देख सकते हो। इस 14 डे फ्री ट्रायल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, $8 पर मंथ दैट इज ₹600 पर मंथ और $24 पर ईयर दैट इज ₹1780 पर ईयर। इन दोनों में से जो प्राइस आपको सही लगती है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। इस सिलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपके पैसे तुरंत कट जाएंगे, लेकिन 14 डेज के फ्री ट्रायल पीरियड के बाद आपने सिलेक्ट की हुई अमाउंट आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन आप बड़े आसानी से 14 डेज से पहले अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हो, यानी 14 डेज तक आप फ्री में कोर्सेज देख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है। साइन अप के टाइम जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप यूज करोगे उस पर इंटरनेशनल यूजेज अलाउ होना चाहिए। तो अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल यूज अलाउ नहीं है तो आप फोन बैंकिंग में जाकर अपने कार्ड का इंटरनेशनल यूज अलाउ कर सकते हो। यहाँ पर कैंसिलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो 14 डेज से पहले आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप सिंपली साइन अप के बाद अकाउंट सेटिंग में जाकर पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। तो 14 डेज तक आपको ये सारे कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको पर मंथ ₹600 और पर एनम ₹1780 पे करने होंगे। सो 14 डेज के फ्री यूज के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। कई बार साइन अप के बाद आपका कार्ड कंफर्म करने के लिए स्किलशेयर आपके अकाउंट से $1 दैट इज ₹74 डिडक्ट करती है, लेकिन तुरंत आपके अकाउंट में वो $1 दैट इज ₹74 रिफंड भी हो जाते हैं। तो इस तरह नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप 14 डेज के इस फ्री ट्रायल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे सारे पेड कोर्सेस 14 डेज तक फ्री में देख सकते हो। आज की वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।